किशनगंज के मुख्य डाकघर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आवेदकों को पासपोर्ट बनवाने के लिए महीनों तक कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। लोगों को पासपोर्ट सेवा केंद्र के कर्मी यूपीएस खराब होने का हवाला देकर लौटा रहे हैं, जिस कारण बुधवार को आवेदकों ने पासपोर्ट सेवा केंद्र में हंगामा किया। लोगों ने बताया कि विभागीय अधिकारी अपॉइंटमेंट लेने वाले आवेदकों को बुला तो लेते हैं, लेकिन बाद में यूपीएस और सर्वर फेल होने का हवाला देकर उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। कई आवेदकों के अपॉइंटमेंट का आज आखिरी दिन था। ये जो बार बार अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका जो डेट है कल भी आया, परसों भी आया, बार बार वो मशीन ख़राब बता रहा है। अगर ऐसा ख़राब है तो कंप्लेन करो। ये लोग मेन क्या है, काम करना नहीं चाहता है और बाकी बार बार घुमा रहा है, ये करा रहा है। अगर ये पैसा चले जाएगा तो हमको रिटर्न देगा क्या? हम डेली मतलब कमाते हैं और डेली खाते हैं, ऐसे लोग हैं। अगर 1500 रुपया वेस्ट हो तो हमारे को क्या फ़ायदा है पासपोर्ट का, क्यों जाएँ हम बाहर देश, ठीक है ना। हमारा मांग एक ही है कि डेट चेंज कराए, इसका जो डेट है ना, ये डेट चेंज कराए और टाइम चेंज कराए। हम सबका मांग एक ही है, क्या आप सब एक ही चाहते हो ना? हम 2-3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, बता के फिर भेज दे रहा है। कितना जरूरी है पासपोर्ट का? बहुत ज़रूरी है मुझे तो। अगर ये नहीं हो तो मेरा सामने का पैसा भी वेस्ट हो जाएगा हमारे जो है। इसके लिए मुझे तो दुबई जाना था, इसके लिए मैंने सामने वाले ने पूरा कर रखा है, बोला आप पासपोर्ट बना के फ़ोटो भेजो, हम वीज़ा दे रहे हैं आपको। अगर इसके लिए ऐसा करेगा तो यहाँ बंद कराओ, सीधा पटना जाएंगे सब लोग। सब पटना जाने के लिए रेडी है, बार बार अगर यहाँ ख़राब हो रहा है तो। पटना भी नहीं भेज रहा है, डेट भी चेंज नहीं कर रहा है, बोल रहा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस की मौजूदगी पे बोल रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ बंद कराओ, मेरा मांग एक ही है। हम सबका मांग क्या है कि यहाँ बंद कराओ, सीधा पटना जाएंगे। आपको बता दें कि पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदकों को पहले आवेदन देना होता है, जिसके लिए निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा करना पड़ता है। एक बार शुल्क जमा करने पर 3 बार अपॉइंटमेंट की व्यवस्था दी जाती है। तीसरी बार में यदि आवेदक नहीं पहुंचता है तो उसका पंजीकरण शुल्क खत्म हो जाता है। कार्यालय का चक्कर लगाकर परेशान शहनाज प्रवीण ने बताया कि उन्हें अपॉइंटमेंट के बाद 3 बार बुलाया गया, लेकिन बाद में मशीन की खराबी बताकर लौटा दिया गया। अब उन्हें फीस लैप्स होने की चिंता सता रही है। मेरा एक बार लापरवाही लिया था ना, मतलब कि जब मशीन खराब है, फिर लिया था, बोले मशीन खराब है, एक बार तीसरा बार हो गया, फिर बोले मशीन खराब है। छोटा बच्चा गोला में है ना, मेरा तो 1500 से 3000 रुपये लगेगा, कौन भरेगा? आज यही तो क्या बताया गया, आज क्या बताया गया? आज क्या करके लेबर मैन लेके देगा तब ना होगा, 1500 रुपये कौन भरेगा? साइन कर देंगे होगा ना? आज तीसरी बार है और लास्ट डेट भी है। हाँ, लास्ट डेट नहीं है, तीसरी बार हो गया है ना। लाज कितना जरूरी है आपको पासपोर्ट का? बहुत जरूरी है ना, अभी मसौदिया में जाएगा ना। हम मेरा तो ये दूसरा डेट है, इससे पहले 15 तारीख को हम आए थे, पिछले 15 तारीख को, उस दिन भी मशीन ख़राब था। 2 आदमी मिलकर के हमने बहुत कोशिश की है मशीन को ठीक करवाने का, और वीडियो कॉलिंग के द्वारा पटना से लाइव बता भी रहे थे और वो ठीक भी कर रहे थे, लेकिन नतीजा हुआ कि मशीन ठीक नहीं हुई और क्या कहते हैं कि आपका मेरा उस डेट को वेरीफाई हो भी नहीं पाया। फिर मैंने आज ऑनलाइन अपॉइंटमेंट डेट लिए, डेट लेने के बाद आज मेरा डेट पड़ा और आज मैं आया, फिर वही हालत, जो मशीन ख़राब है और विभाग का जो यहाँ स्टाफ है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही है कि यूपीएस ख़राब है और उसके वजह से सर्वर नहीं है और काम नहीं हो पाएगी। वो नंबर दिया अगला पदाधिकारी का कि आप उससे बात कीजिए। मैंने 2-3 बार संपर्क किया, 2 बार किया, 10 बार संपर्क किया, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, वो कुछ बता नहीं रहा है। एक बार पेमेंट करने के बाद कितनी बार आप तारीख? मुझे 3 बार डेट मिलता है, 3 बार में यह मेरा दूसरा डेट है और आखिरी एक डेट बाकी है। तो मैं चाहता हूं कि इसे अधिकारी को या मशीन को ठीक कराने का जो इसका ये है, यहाँ का जो लोग है बाहर जाना है, मुझे उमरा करने के लिए जाना है, ये मुझे उमरा करने के लिए जाना है, इसलिए मैं पासपोर्ट के लिए चक्कर काट रहा हूँ और ये मुझे पासपोर्ट नहीं मिल रहा है और मेरा ये आखिरी डेट है, ये सेकंड डेट है मेरा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ इसका जो सिस्टम है चुस्त और दुरुस्त करें ताकि किशनगंज के लोगों को फायदा मिले। और लोग ऐसे लोग हैं जिनका लास्ट डेट है 1500 रुपये बेकार चले, यहाँ करीब 20-25 आदमी का है कि लास्ट डेट है जो 1500 रुपये जा रहा है,
और इस पर इसका हम चाहते हैं कि इन लोगों को फिर दोबारा डेट मिले, यानी एक दो दिन के अंदर डेट मिले और इसका पैसा बेकार होने से बच जाए। किशनगंज डाकघर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र में मौजूद अधिकारियों ने अपने विभाग के माथे पर सारा ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि यूपीएस की खराबी के चलते सर्वर डाउन हो गया है, लेकिन मशीन कब दुरुस्त होगी इस संबंध में कुछ नहीं बता सकते। उन्होंने बताया कि विभाग को सूचना दे दी गई है, मशीन ठीक करने के लिए इंजीनियर कब पहुंचेंगे उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। यहाँ का कुछ समस्या ऐसा हो रहा है कि मशीन एक सप्ताह चलते चलते फिर बंद हो जाता है, जिसकी सूचना हम लोग संबंधित अधिकारी को बार बार लिख चुके हैं, अपना ईमेल दे चुके हैं, लेकिन कोई अच्छा सही ढंग से दूसरा कोई विकल्प नहीं रहा है। एक ही तो मशीन रखा है और उसके लिए कोई अलग से यूपीएस नहीं है। अभी क्या पोजीशन है? अभी सर यूपीएस सर जो खराब हो गया सर, उसके चलते हमारा जो सिस्टम है जहाँ पर अपना पासपोर्ट का वेरिफिकेशन होता है उसमें पावर नहीं आ रहा है। इसके लिए आप हाँ सर ईमेल के जरिए दी, अभी कुछ देर पहले मैडम वहाँ काम करती है उससे दूरभाष से बात भी की। बहुत ऐसे आवेदन करता है जिसका तीसरा समय है आज, बेकार हो जाएगा उनका। हाँ सर, मैडम का कहना है कि और पासपोर्ट सेवा केंद्र से भी है कि वो लोग कोई रीजन बता देगा तो उसका चौथा उसका डेट बिना पैसा से ही मिल जाएगा। रीजन कौन बताएगा? रीजन में ये लोग फिर अप्लाई लोग जो करेंगे जो जिसका डेट कैंसिल आज हो गया, ऑपरेशन तो हो जाएगा ना, ऑपरेशन हो जाएगा तो फिर जहाँ उन लोग अप्लाई किया था पहले उसी ऑफिस वहीं जा करके फिर वो अपना। ये लोग पटना भी जाने के लिए तैयार है तो क्यों नहीं भेजा जा रहा है पटना? नहीं सर, देखिए उनको दिक्कत है तो वो तो जा सकते हैं सर, और जाने से उनका भी समाधान हो जाएगा और हम लोग के समस्या का भी समाधान हो जाएगा सर। हम ही चाहते हैं कि पब्लिक की सेवा के लिए हम लोग हसमत तत्पर रहे, उन लोग को दिक्कत नहीं हो, लेकिन जो पासपोर्ट सेवा संबंधित है अधिकारी लोग इस पर कोई गौर निगाह करते ही नहीं है कि किस संबंध में क्या हो रहा है और यहाँ के स्टाफ पर क्या दलन हो रहा है, वो लोग कोई स्टेप लेता नहीं है सर। उनका 1500 रुपये बेकार चला जाएगा? नहीं, 1500 रुपये बेकार नहीं जाएगा, वो हमारे अधिकारी लोग बोल चुके हैं कि जिसका 3 बार भी हो चुका है तो वो जहाँ पे ऑनलाइन करता उसमें रीजन डाल देगा कि यूपीएस प्रॉब्लम, ऑफिशियल यूपीएस प्रॉब्लम वो डाल देगा रीजन, तो वो फिर चौथा बार भी डेट उसको मिल जाता है। के बाद आपके पोर्टल में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो डालेगा? तो वो पोर्टल चूंकि हमारे हाथ का नहीं है ना, हम बनाए हैं पोर्टल को ना, वो तो ऊपर से जो अधिकारी है वो लोग बनाते तो हैं। ये सवाल तो गलत है मैडम कि वो पोर्टल में डाल देगा ऑनलाइन की, चौथी बार तो ऑनलाइन किसी भी कीमत पर नहीं नहीं तो हम ऑफलाइन बताइए ऑफलाइन हम लोग को जैसा हम भी इस चीज़ को आगे रखे अपने अधिकारी के पास कि सर जिसका तीसरा बार है तो फिर वो क्या करेगा, तो हमको यही कह के आश्वस्त करवाया गया कि नहीं मैडम चौथा बार डेट उसको मिल जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट जैसे वो रीजन डाल देगा उसमें, वो में तो कोई ऐसा सुविधा है नहीं ना रीजन डालने का? नहीं होगा वो, क्योंकि इससे पहले जो बहुत सारे लोग लेके आए हैं हमारे पास वो बोले कि मैडम हम 3 बार के बाद भी हमको मिल गया डेट। परेशानी कहाँ है? परेशानी कहाँ है? तो परेशानी है वो ऑफिस का जो यूपीएस खराब हो गया इस वजह से परेशानी है। यूपीएस खराब होने के कारण पहले भी यूपीएस खराब था? इससे पहले भी यूपीएस खराब, हाँ, फिर बीच में वो वहाँ से अधिकारी लोग भेजे थे, वहाँ से इंजीनियर लोग भेजे थे। 7-8 रोज चलता उसके बाद टेक्नीशियन नहीं है आपके पास? नहीं हमारे पास, वो तो वहीं से भेजते हैं, पटना से ही भेजते हैं हम लोग, यहाँ से आरपीओ पटना को मेल करते हैं, उससे संबंधित और भी अधिकारी सभी को मेल करते हैं और फिर वो लोग जो है वहाँ से वो कंप्लेन लॉक करते हैं, फिर जाके वहाँ से इंजीनियर भेजते हैं ठीक करने के लिए। कारण इतने लोग विदेश जाने से वंचित हो जा रहे हैं, समस्या तो है ना मैडम? नहीं विदेश जाने से वंचित वो नहीं होंगे, वो तो आखिर पासपोर्ट हर हाल में बनेगा ही उनका। कब बनेगा? फिर वो वही की फिर हाँ उसको फिर मतलब अगला डेट लेना पड़ेगा उनको।